इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीजे मेंडल, जॉन मेंडल जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, वो काम किए थे पी प्लांट के ऊपर। बेसिकली ही वॉज ए मैथमेटिशियन, ही इज़ नॉट ए बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट नहीं थे वो एक मैथमेटिशियन है, बट बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल वे में किए थे और वो कुछ लॉ फॉर्मुलेट किए थे जिसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या होता है, देखो यह है पेरेंट लाइन है जो कि पेरेंट का गैमेट है, ये टॉल है और ये डॉर्फ है, ये दोनों जीम सेम है जिसको कहा जाता है होमोजाइगस टॉल, ये दोनों भी होमोजाइगस डॉर्फ। जब टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस होता है पी प्लांट का, तब पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट ये डिप्लोइड गैमेट है, ये जो है ये डिप्लोइड है, 2n है, ठीक। अभी म्यूसिस में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, म्यूसिस में तुम जानते हो रिडक्शनल डिवीजन, ड्यू टू दैट गैमेट विल प्रोड्यूस व्हिच इज हैप्लोइड इन नेचर, जो कि हैप्लोइड नेचर का है, ठीक है, यानी n है। अभी होगा क्या ना, पुनेट स्क्वायर के हिसाब से अभी एक गैमेट फॉर्मेशन जो है क्रॉस होगा। कैसे क्रॉस होगा, ध्यान से देखो, पहले एक स्क्वायर बना दोगे, यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है उसको टॉप में लिख दो कैपिटल टी कैपिटल, यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है स्मॉल टी भी लिख दो, ठीक। अभी उसको मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और एक चीज़ याद रखो, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये सारे के सारे सेम है, और एक है कि ये जो सारे सेम है ये जो सेट ऑफ जीन है ये डिफरेंट है, ये यानी हेट्रोजाइगस है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या है ना, टॉल है, ठीक। तो अगर हम देखेंगे उसका रेशियो तो कितना आएगा, 4:0 आएगा, यानी ऑल आर द टॉल, नो डॉर्फ इज देयर इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी जो ऑफस्प्रिंग्स हुए हैं सारे के सारे टॉल है, लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी डिफरेंट टॉल है, ठीक है। अभी अगर हम उसको सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का मतलब मैंने बताया था कि सारे ऑफस्प्रिंग अगर आपस के बीच में अगर क्रॉस होगा एक ही जनरेशन का, तो हम उसको सेल्फिंग कहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर सेल्फिंग होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, समझ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन पहले होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, वही पुनेट स्क्वायर के हिसाब से तुम अगर देखोगे तो वही चीज़ आने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। उसको ध्यान से देखो, ये है F2 जनरेशन, ये क्या है, ये F2 जनरेशन में ध्यान से देखो, ये जो टॉल है ये बॉक्स का नाम दे दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक। तो फर्स्ट बॉक्स में जो है वो क्या है, टॉल है, कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, क्या है ये, होमोजाइगस टॉल है, ठीक। और 2-3 में कौन है, 2-3 में टॉल भी है, 2-3 भी टॉल है, लेकिन कौन सा टॉल है, वो हेट्रोजाइगस टॉल है, बॉक्स नंबर 1 है होमोजाइगस टॉल, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 जो है वो है हेट्रोजाइगस टॉल, जिसको समझ रहे हो, तो बॉक्स 2 एंड 3 आर व्हाट, हेट्रोजाइगस टॉल। बॉक्स 4 क्या है ना, होमोजाइगस डॉर्फ, ये है होमोजाइगस डॉर्फ, बॉक्स नंबर 4। तो हम उसको अब अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितने होने वाला है, रेशियो होगा 1, ये 1:2:2, ये रेशियो कितना है, 1 है, यानी उसके रेशियो जो हुआ है जीनोटाइप रेशियो 1:2:2:1, ठीक है, ये है तुम्हारा जीनोटाइपिक रेशियो, ये क्या है, ये जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम फिनोटाइप का बात करेंगे तो हमको फिनोटाइप का मतलब मैं बताया था कि बस हमको ये दिखना है, क्या दिखना है, फिजिकल अपीयरेंस को दिखना है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या है ना, बॉक्स नंबर 1 टॉल है, बॉक्स नंबर 2 टॉल है, बॉक्स नंबर 3 टॉल है, यानी 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, क्या कहते हैं,
फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको ध्यान से देखो कि जब प्योर लाइन में क्रॉस होता है, प्योर लाइन मतलब देख पा रहे होंगे यह प्योर है, समझ रहे हो, यानी होमोजाइगस स्टॉल जब होमोजाइगस डॉर्फ के साथ क्रॉस होता है तो फास्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल होते हैं, यानी डोमिनेंट करते हैं टॉल। इट एक्सप्रेसेस इट्स डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी इजी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है ना, तुम ध्यान से देखो, जब पेरेंट के पास जो गेमेट था, समझ रहे हो, ये डिप्लोइड में था, जब ये गेमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन द पेरेंट गेमेट अंडरगो मियोसिस, द पेरेंट गेमेट अंडरगो मियोसिस और द रिडक्शनल डिविजन टू फॉर्म टू सेपरेटेड गेमेट, व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वंस अगेन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स वॉट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ईच गेमेट दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड द ट्रांसमिट द कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली, सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड दिस क्रॉस इज कॉल्ड, एंड द होल क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाई दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाई दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बिकॉज मेंडल हैड टेकन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को लिए थे वो, जो कि हाइट है, क्या है, हाइट है। हाइट में भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक है टॉल है, एक है डॉर्फ है, समझ रहे हो, एक टॉल एक डॉर्फ है। सो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर बिंग टेकन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज मेंडल हैड टेकन वन पेयर, दैट मीन्स वन पेयर का मतलब क्या है, दो, टॉल एंड डॉर्फ, सो दैट दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।